ये बताया कि वैक्सीन के लिए जैसे दुनिया भर में प्रयास हो रहे हैं, वैसे ही उतने ही प्रभावी प्रयास भारत में हो रहे हैं। और भारत में हमारे जो कैंडिडेट वैक्सीन हैं उसमें तीन लगभग ऐसे हैं जो फेज़ वन, फेज़ टू और फेज़ थ्री के अंदर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक एक्सपर्ट ग्रुप इस सारे विषय को भी बहुत गहराई से अध्ययन कर रहा है। एडवांस्ड इसके संदर्भ में प्लानिंग है। हमारे को उम्मीद है कि अगले साल के शुरुआत के अंदर हमें भारत के अंदर वैक्सीन उपलब्ध हो जानी चाहिए। इस संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन से और दुनिया के अंदर भी जो जॉइंट प्रयास हो रहा है उसके साथ भी हम सबका कोऑर्डिनेशन है। और आने वाले समय में जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध होगी तो कोविड के खिलाफ जो हमारी जंग है उसको निश्चित रूप से हमें और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। साइंस के अंदर हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो हर तरीके से वायरस के ऊपर, हम दुनिया के अंदर 4-5 उन देशों में से हैं जिन्होंने वायरस को आइसोलेट किया है। हमारे बायोटेक्नोलॉजी और CSIR के अंदर जो है 1000 से ज़्यादा जो है वायरसेस के ऊपर जो है उनका जो जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुका है। वायरस की जो स्टडी इतने विस्तार से हो रही है, कल मैंने उसमें स्टेटमेंट में भी कहा था कि 40,000 से ज़्यादा वायरस के सैंपल्स को बायो रिपोजिटरी के रूप में जो है उनको संभाल कर रखा गया है, जिनके ऊपर अध्ययन की प्रक्रिया चल रही है। और मैं शायद टाइम जो है हमसे है। और इसी तरह से ब्राज़ील और स्पेन की डेथ्स 11 टाइम ज़्यादा हैं। और भी भारत में रिकवरी रेट आप जानते हैं कि हमारा 78-79% के करीब हो गया है। और हमारा मोर्टालिटी रेट दुनिया में सबसे कम है, 1.64%। लगातार हम पहले दिन से प्रयास कर रहे हैं कि अर्लीस्ट हम डायग्नोसिस करें, अर्लीस्ट हम ढूंढें पेशेंट को और उसको तुरंत टेस्ट करें, टेस्ट करने के बाद आइसोलेट करें। आइसोलेट करने के लिए चाहे उसका घर हो, चाहे उसके लिए कोविड केयर सेंटर हो, चाहे उसके लिए कोविड का हेल्थ फैसिलिटी हो, हॉस्पिटल हो, और कोशिश किया जाए कि किसी भी कीमत पर उसको मृत्यु का शिकार ना होने दिया जाए। और इसी के कारण हम देख रहे हैं कि हमारी दुनिया में सबसे कम मोर्टालिटी रेट है। और अभी हमारा लक्ष्य है कि हम इस मोर्टालिटी रेट को 1% से भी जो है कम पर ले जाना चाहते हैं। हमारे कहने के लिए 50,00,000 केसेस हैं, लेकिन सर अभी इसमें 20% ही केवल, यानी 10,00,000 से कम ही जो है एक्टिव केसेस हैं। और मैं आपको इस सदन को स्मरण कराना चाहता हूँ, विदेश से बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आए थे इस लड़ाई के शुरुआती दौर के अंदर, जिनके पास बहुत नॉलेज थी, बहुत अनुभव था, बहुत बड़े बड़े मैथमेटिकल मॉडल्स थे, बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों को वो नेतृत्व करते थे, और उनके पास भारत के अंदर जन्म लेने के कारण भारत के बारे में भी बहुत सारा अनुभव था। लेकिन उन्होंने बड़े बड़े टेलीविजन चैनल्स पर कहा था कि जुलाई अगस्त, माननीय मंत्री जी कंक्लूड करें कृपया, जुलाई अगस्त का जब महीना आएगा तो भारत में 300 मिलियन केसेस होंगे। सर 300 मिलियन माननीय मंत्री जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही, कृपया कंक्लूड करें। मैं सुन रहा हूं सर, कंक्लूड भी करने के लिए मैं, आपने आदेश किया, मैं कंक्लूड करता हूं सर। मैं सिर्फ ये स्मरण कराना चाहता हूं कि इस समय तक 300 मिलियन केसेस की बात की गई थी, 5-6 मिलियन डेथ्स की बात की गई थी, और 135 करोड़ के देश के अंदर आज हम 11,00,000 तक टेस्ट कर रहे हैं। हमसे ज़्यादा पूरे जो टोटल टेस्ट हैं 5 करोड़ से ज़्यादा केवल अमेरिका ने किए, और अमेरिका को भी हम थोड़े दिन के अंदर जो है टेस्ट के मामले में पीछे छोड़ देंगे। ये सारा कुछ जो है संभव इसलिए हुआ है कि सारे देश ने इसको मिलकर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत गहराई और गंभीरता के साथ जो है लड़ाई।